वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है संदीप सामल और मैं यहाँ पे जुड़ गया हूँ आप लोगों के साथ एग्रीकल्चर डिस्कस करने के लिए। तो आइए यहाँ पे फटाफट से सेशन स्टार्ट करते हैं और बातें करते हैं कि जो आज का जो शॉर्ट सेशन है वो किस बारे में है। ऑब्वियसली आप लोगों को जो है यहाँ से टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि द सेशन इज अबाउट स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। ओके, द सेशन इज अबाउट स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। स्टार्ट करने से पहले, इसके बारे में कुछ बताने से पहले देख लेते हैं हमारे पास साथ कौन कौन यहाँ पे जुड़ गए हैं। हाय प्रवीण, वेलकम टू द सेशन। ओके, सो पहला है बात, गुड इवनिंग श्रुति, वेलकम टू द सेशन। ओके, तो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, सो एग्जैक्टली मैं ये नहीं कहूंगा कि एफसीआई के एजीएम के लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, लेकिन बात यह कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। एफसीआई एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट नहीं है, रादर ये सिलेबस यहाँ पे प्रेजेंट है एफसीआई एजीएम टेक्निकल के सिलेबस में। एफसीआई एजीएम टेक्निकल के सिलेबस में है, लेकिन आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स में लेके आया हूं जो आपके इंटरव्यू के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। लाइक आपको पूछा जाएगा कि एफसीआई में कौन कौन से क्रॉप स्टोर किए जाते हैं। अ वेरी गुड इवनिंग भाविक, वेलकम टू द सेशन। ओके, मान लीजिए आपको पूछा जाएगा व्हाट आर द मेजर क्रॉप दैट इज स्टोर्ड अंडर एफसीआई, तो आप लोग बोलोगे कि पैडी एंड व्हीट। तो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो यू आर नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, व्हाट आर द पेस्ट्स दैट इन्फेक्ट पैडी एंड व्हीट इन द स्टोरेज। देखिए यहाँ पे फील्ड में जो पेस्ट अफेक्ट कर रहे हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टोरेज में कौन सा पेस्ट अफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टोरेज एफसीआई करता है, उसको पता होना चाहिए कि हाँ ये पेस्ट इन्फेक्ट होने वाला है, तो एफसीआई को प्रिवेंटिव मेजर्स या फिर अगर इन्फेस्ट हो गए हैं तो फिर क्यूरेटिव मेजर्स लेना चाहिए, ठीक है। स्टोरेज के अंदर, मतलब स्टोरेज में ही यहाँ पे कौन कौन से पेस्ट जो है अफेक्ट करते हैं ये यहाँ पे देखते हैं स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट में, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पेस्ट के बारे में बताऊंगा। जो लोग, अगर आप में से कुछ टेक्निकल वाले हैं तो आपको तो इसको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग डिटेल स्टडी कर सकते हो यहाँ पे स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के बारे में। जो लोग एफसीआई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, आप लोग क्या याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है कॉमन नेम, ठीक है। आप लोगों को क्या याद रखना है, कॉमन नेम। कॉमन नेम किसका याद रखना है, जो पेस्ट है ना, कौन सा पेस्ट का कॉमन नेम क्या है। मान लीजिए बहुत ही जनरल पेस्ट है राइस वीविल, ठीक है। एक वीविल होता है, एक बग जैसा होता है, ओके, बीटल टाइप का होता है, इंसेक्ट होता है जो राइस को स्टोरेज में ही राइस क्रॉप में लगता है। इनफैक्ट नाम इसका राइस वीविल है, बट इट इन्फेक्ट्स ऑल द क्रॉप, ऑल द सीरियल क्रॉप्स, जितने भी सीरियल क्रॉप है ना सबको जो है ये इन्फेक्ट करता है इन स्टोरेज। ध्यान दीजिएगा, इन स्टोरेज, वी आर टॉकिंग अबाउट द पेस्ट्स इन स्टोरेज, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट्स। ओके, सबके सारे क्रॉप के सब क्रॉप के बारे में मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं फील्ड के अंदर जो पेस्ट है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। ओके, तो इसमें क्या चीज है, कुछ ऐसे पेस्ट हैं जो यहाँ पे इन्फेक्ट करते हैं। तो आपको बेसिकली उसका कॉमन नेम जानना है, कौन से क्रॉप को, कौन सा इंसेक्ट, या फिर कौन सा, सिर्फ इंसेक्ट ही नहीं है यहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अफेक्ट करते हैं और इवन रोडेंट्स भी अफेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस यहाँ पे इंसेक्ट्स पर रहेगा कि कौन सा इंसेक्ट यहाँ पे अफेक्ट करता है। ओके, आज पेस्ट के बारे में देखेंगे, कोई दूसरे सेशन में हम मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो अगर यहाँ पे कोई टेक्निकल वाला है, सो वी आर प्लानिंग दैट इस शॉर्ट सेशन का टाइम चेंज करके कोई ऐसे सेशन पे लाया जाए, कोई ऐसा टाइम पे लाया जाए जो टेक्निकल वालों के लिए एक लाइक एटलीस्ट हाफ एन आवर का सेशन बन सके। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है, सो दैट जो है यहाँ पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ टेक्निकल वालों को भी ये फायदा होगा। ओके, सो होप सो, फिंगर्स क्रॉस्ड टेक्निकल वालों, लेट्स सी कि यहाँ पे कितनी जल्दी एक टेक्निकल का सेशन मैं लेके आ पाता हूँ, ठीक है। आइए चलिए फटाफट यहाँ पे देखते हैं अबाउट स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट्स। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के नाम बताऊंगा। नंबर वन, खफरा बीटल या फिर इसको बोला जाता है व्हीट वीविल, ठीक है, खफरा बीटल या फिर व्हीट वीविल बोला जाता है। सेकंड, राइस वीविल। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है राइस लिखा है मतलब सिर्फ और सिर्फ राइस को ही अफेक्ट करेगा, किसी और चीज को अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, थर्ड,
रस्ट रेड, फ्लोर बिटल, फ्लोर बिटल. फोर्थ पल्स बिटल. फिफ्थ राइस मॉथ. ठीक है, राइस मॉथ. नेक्स्ट. ओके, तो ये कुछ यहां पे मेजर स्टोर्डग्रेन पेस्ट हैं. इनके अलावा और बहुत सारे स्टोर्डग्रेन पेस्ट हैं, लेकिन ये यहां पे कुछ मेजर स्टोर्डग्रेन पेस्ट हैं, राइट. तो आइए फटाफट से जो है हम लोग यहां पे थोड़ा सा देखते हैं खपरा वेटल या फिर वीट वीबल के बारे में. ओके, खपरा बीटल और वीट वीविल, राइट. तो खपरा बीटल में क्या एग्जैक्टली, पहले तो इनका डैमेजिंग स्टेज इसका चेक करते हैं. इसका डैमेजिंग स्टेज क्या है? डैमेजिंग स्टेज वो है लार्वा. क्या है? लार्वा. लार्वा है इसका डैमेजिंग स्टेज. जो कैटरपिलर वगैरह देखते हो तो बेसिकली जो लार्वल स्टेज है ये है. अगर आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं है लार्वल स्टेज क्या है, सो मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूँ. देखो, सब तो जो कैटरपिलर आप देखते हो, बटरफ्लाई बनते हैं, उससे पहले बटरफ्लाई बनने से पहले प्यूपा होता है. प्यूपल स्टेज के बाद जो कुकुन कहते हो, प्यूपा या कुकुन, उससे पहले आता है कैटरपिलर स्टेज. ठीक, कैटरपिलर. सो कैटरपिलर जो है ना, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट के लार्वल स्टेज को बोला जाता है कैटरपिलर. ठीक है, उसका नाम है कैटरपिलर, वो स्टेज नहीं है. स्टेज का नाम है लार्वल स्टेज. ओके, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल लेपिडोप्टेरा. लेपिडोप्टेरा लाइक आप जो बटरफ्लाई देखते हो ना, वो यूजुअली लेपिडोप्टेरा फैमिली के हैं. तो जो लेपिडोप्टेरा फैमिली है ना, उसके क्या बोलते हैं, उसके लार्वल स्टेज को कहा जाता है कैटरपिलर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे डैमेजिंग स्टेज है लार्वा, मतलब जो खपरा बीटल है, इसका जो लार्वल स्टेज होगा ना, वो यहाँ पे डैमेज करता है सबसे ज्यादा. ठीक है, कौन से क्रॉप में लगता है? जितने मतलब मेजर पेस्ट है ये वीट का. मेजर पेस्ट ऑफ स्टोर्ड वीट. ठीक है, जो स्टोर्ड वीट होता है ना, उसका मेजर पेस्ट है. लेकिन इसके साथ साथ सारे क्रॉप को अफेक्ट करता है. ठीक है, लेकिन आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि मेजर पेस्ट कौन सा है यहाँ पे स्टोर मतलब इसका स्टोर्ड वीट का, या फिर पहले तो स्टोर्ड वीट पे आते हैं, स्टोर्ड वीट का मेजर पेस्ट कौन सा है, आप बोलोगे सर खपरा बीटल इज अ मेजर पेस्ट ऑफ स्टोर्ड वीट. ठीक है, जो गेहूं को स्टोर किया जाता है, जो ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, उसमें खपरा बीटल इज अ मेजर पेस्ट. क्लियर. बाकी इसके अलावा सारे सीरियल क्रॉप को अफेक्ट करता है, कभी कभी पल्स क्रॉप को भी अफेक्ट करता है. ठीक है, लेकिन मेजर पेस्ट इज ऑलवेज फॉर स्टोर्ड वीट. क्लियर. नेक्स्ट, मैं थोड़ा जनरली बता रहा हूँ, सुपरफिशियली बता रहा हूँ, एकदम डीप में नहीं जा रहा हूं, लेकिन टेक्निकल स्टूडेंट्स काइंडली ध्यान दीजिए, आपको डीप में पढ़ना है. लाइक एग्जैक्टली कितने दिन से कितने दिन के बीच जो है डैमेज करता है. ओके, एग्जैक्टली कितने दिन से कितने दिन के बीच डैमेज करता है. एक और पॉइंट मैं बता देता हूं यहाँ पे, जो मैक्सिमम डैमेज का टाइम होता है ना, द मैक्सिमम डैमेज टाइम. ठीक है, कब मैक्सिमम डैमेज करता है, हालांकि सब में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो का मैं बता देता हूं. जुलाई टू अक्टूबर, ये जो टाइम है ना, इसमें जो है मैक्सिमम डैमेज करता है खपरा बीटल. ओके, खपरा बीटल जो है यहाँ पे मैक्सिमम डैमेज करता है स्टोर्ड वीट में. ओके, ये अगला सेशन जब भी होगा ना ऐसे इंसेक्ट वगैरह के बारे में, तो मैं ना आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा. ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम में मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, मैं इन सारा इंसेक्ट्स का पिक्चर दिखा दूंगा. एक्चुअली ये थोड़ा आज मुझे टाइम नहीं मिला पिक्चर्स जो है अरेंज करने के लिए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. लेकिन मैंने सोचा था कि ये सेशन जब होगा ना, मैं आपको पिक्चर्स के साथ ही दिखाऊंगा, और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पिक्चर्स को जो है अरेंज करके आपको मतलब लाइव क्लास के अंदर दिखा पाऊं. ठीक है, तो मैं ना नेक्स्ट टाइम आपको सारे पिक्चर्स दिखा दूंगा, या फिर इसका एक रिपीट सेशन नहीं, जो मैनेजमेंट का सेशन होगा ना, उस टाइम पे दिखा दूंगा सारे के सारे इंसेक्ट्स के जो है पिक्चर्स. क्लियर. तो मैक्सिमम डैमेज टाइम जो है ना यहाँ पे दैट इज जुलाई से अक्टूबर के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है. तो ये है खपरा बीटल. अब दूसरा देखते हैं राइस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेस्ट है, दैट इज राइस वीविल. ओके, अब राइस वीविल देखिए यहाँ पे क्या है. ओके, राइस वीविल कैसे अफेक्ट करता है? बेसिकली हर टाइप के सीरियल को यहाँ पे अटैक करता है, लेकिन मेजर पेस्ट ऑफ स्टोर्ड राइस. ठीक है, जो स्टोरेज में राइस होता है ना, उसी का ये मेजर पेस्ट है. बाकी अफेक्ट सारे सीरियल्स को करता ही करता है. यहाँ पे डैमेजिंग स्टेज कौन सा है?
डैमेजिंग स्टेज। यहां पे दोनों ही लार्वा और एडल्ट, लार्वा और एडल्ट दोनों ही यहां पे डैमेज करते हैं, ठीक है। बड़ा सा वीविल बन जाता है वो भी डैमेज करता है, जो लार्वा स्टेज होता है वो भी यहां पे डैमेज करता है क्रॉप को, ओके। देन इसका मैक्सिमम डैमेज टाइम कब होता है? मैक्सिमम डैमेजिंग टाइम, ये मैक्सिमम डैमेजिंग टाइम का मतलब क्या है? इस टाइम पे ना इनका जो है पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होता है, द स्टोरेज इस जो स्टोर्ड होता है स्टोर्ड कमोडिटी दैट इज मोर प्रोन टू अटैक ड्यूरिंग दिस स्टेज, क्लियर राइट? Is it important for FCI AGM? It is, आपके FCI AGM General Administration में ये portion syllabus में नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास जो contact है, हम लोगों को ये पता चला कि आपका जो interview है ना उसमें usually इसके बारे में पूछ देते हैं, या फिर कोई major crop है उसके बारे में पूछ देते हैं, ठीक है। तो particularly ये subject को interview में पूछा जाता है, so, और ये जो है technical के syllabus में भी है, okay? So I am जो है इसको मैं यहाँ पे सेशन ले रहा हूँ, okay, so I'm conducting a session on this। और जहां तक FCI AGM का आपके सिलेबस के बारे में बात है, नहीं आपके सिलेबस में एग्जाम में तो नहीं है, ठीक है। एग्जाम में स्टोर्ड पेस्ट जो है यहाँ पे स्टोर्ड इंसेक्ट पेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट, सो दिस इज अवर राइस वीविल। थर्ड यहाँ पे राइस के बारे में दूसरा पेस्ट है यहाँ पे राइस मौत। राइस मौत आप लोग देखे होंगे जो बड़े बड़े बटरफ्लाई जैसे हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी रहती है ना काफी बड़ी रहती है, ठीक है। यूजुअली रात के टाइम पे आप दिखेगा आपको, ओके, काफी बड़े भी होते हैं इन कंपैरिजन टू बटरफ्लाइज, दीज आर मॉथ्स, ओके। ये किसमें मेजर पेस्ट है पता है? नाम से पता चल रहा है वैसे, मेजर पेस्ट इन स्टोर्ड राइस। स्टोर्ड राइस, क्लियर, स्टोर्ड राइस में ये एक मेजर पेस्ट है। डैमेजिंग स्टेज, डैमेजिंग स्टेज लार्वा, ओके। डैमेजिंग स्टेज इसका क्या है? लार्वा है, क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज पर्स बिटल। लेट्स टॉक अबाउट पर्स बिटल, ओके। पर्स बिटल क्या है? यहां पे जो डैमेजिंग स्टेज है ना ये है ग्रब, ठीक है। ये एक तरह का जो है यंग स्टेज है, डैमेजिंग स्टेज है, दैट इज ग्रब। बहुत ही घटिया दिखता है, ओके। सो ग्रब जो है यहां पे डैमेजिंग स्टेज है। और मेजर पेस्ट किसमें है? मेजर पेस्ट ऑफ बंगाल ग्राम, बंगाल ग्राम। बाकी दूसरे क्रॉप्स मतलब दूसरे पल्स क्रॉप को जैसे लाइक काउपी, आपके जितने भी पल्स क्रॉप हैं रेड ग्राम वगैरह, उनमें भी जो है ये डैमेज करता है, क्लियर। नेक्स्ट, रस्ट रेड फ्लोर बिटल। रस्ट रेड फ्लोर, फ्लावर बोल लो, फ्लोर बोल लो, कुछ भी बोल लो, बिटल। ओके, इसको ना दिस इज नोन एज अ सेकेंडरी फीडर। This is known as a secondary feeder. ये इसका सबसे important point. This is known as a secondary feeder. क्यों secondary feeder कहा जाता है पता है? Secondary feeder because it feeds on already damaged ग्रेन्स, मतलब ऑलरेडी डैमेज ग्रेन्स होंगे, कोई और खा गया होगा, उसमें से जो बचा कुचा होगा ब्रोकन होगा ना, उसको जो है ये लोग फीड करते हैं, ओके। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज डैमेजिंग स्टेज इन डिटेल, आई मीन व्हाट इज इट। जैसे इंसान का स्टेज होता है ना, बच्चा वाला स्टेज हो गया, एडल्ट स्टेज हो गया, फिर बुढ़ापे वाला स्टेज आ जाता है, मतलब टीनेजर एडल्ट मतलब मिडिल एज्ड, फिर बुढ़ापे वाला स्टेज आता है ना, उसी तरह ना प्लांट्स का स्टेज होता है, एग्स लार्वा प्यूपा और कोकोन देन एडल्ट, फिर ये लोग एग्स ले करेंगे, फिर ये लार्वा होगा, फिर प्यूपा कोकोन होगा और फिर एडल्ट होगा, राइट। अगर मैं यहां पे राइस मौत के बारे में बात करूं,
राइस मौत के बारे में बात करूं तो ये जो लाइफ साइकिल है ना पूरा का पूरा ये 5 से 6 वीक का है। 5 से 6 वीक के अंदर ये सब कुछ हो जाता है, एग्स भी ले हो जाते हैं, लार्वा भी बन जाता है, प्यूपा हो जाता है, कुकुन हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। आप लोग सब कैटरपिलर देखे हो, इजंट इट? आप लोग कैटरपिलर देखे हो, द कैटरपिलर इज द लार्वल स्टेज, ठीक है? कैटरपिलर जो है लार्वल स्टेज है। उसके बाद क्या होता है ना, मोल्टिंग होता है। मोल्टिंग मतलब जो इंसेक्ट है ना वो अपना फॉर्म चेंज करता है, उससे क्या होता है ना एक फॉर्म चेंज करता है, खुद को एक शेल में ढक लेता है, अंदर ही अंदर जो है डेवलप होता है, ठीक है? दैट इज द प्यूपल और कुकुन स्टेज। नेक्स्ट जब प्यूपल कुकुन स्टेज से निकलता है पूरे एडल्ट स्टेज में निकलता है, फिर एग्स ले करेगा, फिर लार्वल स्टेज में जाएगा, फिर प्यूपा कुकुन, इस तरह से लाइफ साइकिल जो है कोई भी इंसेक्ट का चलते रहता है। ओके, सो जहां पे हम लार्वा की बात कर रहे हैं दैट मींस कैटरपिलर स्टेज, एडल्ट की बात कर रहे हैं मान लो पूरा का पूरा बटरफ्लाई, और जो ग्रब है ना वो बीटल्स का एक तरह का जो है यंग स्टेज है, ठीक है? जो बीटल्स है उनका यंग स्टेज है यहाँ पे ग्रब्स, ठीक है? तो इसलिए मैं बोला जस्ट नेक्स्ट टाइम मैं आपको प्रिवेंशन के बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मैंने आपको पिक्चर्स के साथ बताऊंगा, ठीक है? मैं आपको जो है यहाँ पे पिक्चर के साथ बताऊंगा ताकि आप लोगों को जो है थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प हो। क्लियर? वेरी गुड इवनिंग भवित्रा एंड चंचल, वेलकम टू द सेशन। हालांकि सेशन लगभग खत्म ही होने को है। ओके, सो ये यहाँ पे था अबाउट द क्या बोलते हैं स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। ओके, डिटेल में नहीं था, बिल्कुल भी डिटेल में नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बार बार बता रखा है जो 7:30 PM वाला सेशन होता है ना, एक शॉर्ट सेशन होता है, एक ओवरव्यू टाइप का सेशन होता है, ठीक है? अब अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, FCI AGM टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, चाहे FCI AGM टेक्निकल हो या फिर FCI AGM जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, देन दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है? दिस इज मोर देन इनफ यहाँ पे जो है मतलब जो भी हम लोग ये स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के बारे में इतना देख रहे हैं, क्लियर? लेकिन टेक्निकल वालों काइंडली इसको पढ़ के मत बैठ जाइएगा, ऑब्वियसली आप लोगों को काफी एक्सपीरियंस होगा इस बारे में। ओके, ऑल द टेक्निकल स्टूडेंट्स, आपको ज्यादा यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही जल्द टेक्निकल का कोई सेशन वगैरह लेके आने के लिए, तो जुड़े रहिए, मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा यहाँ पे टेक्निकल का कोई सेशन आने से पहले, क्योंकि अभी ना हमारे हाथ में टाइम है, ठीक है? अभी हमारे हाथ में टाइम है, वी कैन डू समथिंग अबाउट टेक्निकल सेशन। ओके, जितना होगा ठीक है, एटलीस्ट कुछ नहीं होने से अच्छा है कि कुछ तो हो, राइट? तो काफी चीज मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लीट किया है, लाइक सॉइल्स, जो कि हालांकि सॉइल्स आपका नहीं है, लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में अगर देखें तो फिर ऑब्वियसली क्रॉप प्रोडक्शन तो है, तो क्रॉप प्रोडक्शन तो आप वहां से देख सकते हो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से। ओके, और अगर अभी हम बात करें अबाउट बाकी चीजें लाइक एंटोमोलॉजी का जो आपका मेजर पोर्शन है, एंटोमोलॉजी एंड जेनेटिक्स का थोड़ा बहुत है, इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स, तो मैं कोशिश करूंगा ना यहाँ पर एक छोटा सा सेशन लाएं। ओके, अगर हो सकता है पॉसिबल तो एक डेडिकेटेड बैच, एक पेड बैच भी प्लान कर सकते हैं रिवॉल्विंग अराउंड द टेक्निकल स्ट्रीम। ओके, जो टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, सो लेट्स सी, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या चाहिए, डू यू वांट अ पेड बैच फॉर द टेक्निकल, क्या आपको ये हेल्पफुल होगा? ओके, अगर आएगा डू यू वांट टू सब्सक्राइब द पेड बैच फॉर द टेक्निकल, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, लेट्स सी आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहता है। लेट्स टेक एक वीक का टाइम देते हैं इस वीडियो को कि आपका रिस्पांस क्या रहता है। अगर आप लोगों से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, अगर हमारे व्यूअर्स में टेक्निकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होंगे, देन वी कैन ऑब्वियसली प्लान फॉर दैट काइंड ऑफ बैच। ओके, और साथ ही साथ यूट्यूब में भी कोई सेशन के लिए यहाँ पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं, राइट? हेलो गौरव गुप्ता, वेलकम टू द सेशन। हालांकि सेशन जो है खत्म होने वाला है। ओके, अगर आपको कुछ पूछना है रिगार्डिंग टेक्निकल, या फिर रिगार्डिंग सब्जेक्ट, या फिर रिगार्डिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन FCI आप पूछ सकते हो। ओके, या फिर रिगार्डिंग एनी एग्रीकल्चर एग्जाम कुछ आप लोग आपको पूछना है, सो ऑब्वियस सर कैन अड्डा प्रोवाइड क्विज फॉर मैनेजमेंट टॉपिक्स ऑल्सो लाइक द प्रोवाइड फॉर एग्रीकल्चर टॉपिक्स। बबित्रा, यू हैव अ सपोर्ट सेक्शन, यू कैन आस्क देयर। ओके, यहाँ पर तो मैं एग्रीकल्चर डील कर रहा हूँ, आई एम डीलिंग विद एग्रीकल्चर, सो ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द मैनेजमेंट टॉपिक, सो यू हैव अ support section, you can ask there if they are going to provide any kind of quiz for the management topic, or you can ask the management faculty, whoever is connected over the YouTube, or if you are if you have subscribed to a paid batch or anything. Okay, hi Satyam, though the session is ending still you are welcome. ओके, तो ये यहाँ पे था स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के बारे में। ओके, और अगर आप FCI का बैच लेना चाहते हो, अगर महापैक खरीदना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है। यहाँ पे ये जो पैक है अभी जो है
76% डिस्काउंट पे चल रहा है, यूजुअली 2400 या 2500 का मिलता था, अभी आपको ये 2069 का मिलेगा। ठीक है, इसमें टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस सब कुछ इंक्लूडेड है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी और एग्रीकल्चर अभी भी चल रहा है, मैं थोड़ा सा डिटेल में और बता रहा हूँ, आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड यू हैव टू यूज द कोड Y291 कोड यूज करना मत भूलिएगा, उसके साथ आपको 76% का डिस्काउंट मिलेगा एंड द फाइनल प्राइस विल बी 2070। अगर आप ये आपको ज्यादा लग रहा है, यू कैन ऑप्ट फॉर एनी सिंगल बैच विच विल कॉस्ट यू अराउंड 1000 आई थिंक, आई एम नॉट श्योर दो, ठीक है, इट मे कॉस्ट यू अराउंड 1000। ओके, तो आप चेक कर लीजिए आपको जो भी चाहिए, लेकिन इसमें ये नहीं होगा। ठीक है, सिंगल बैच में टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा आपको, लेकिन लाइव क्लासेस जरूर मिलेंगे। ओके, राइट, कितने मंथ्स के लिए है ये यहाँ पे, ये पूरा का पूरा 6+6 आई थिंक 12 मंथ्स का वैलिडिटी है यहाँ पे। ओके, 12 मंथ्स का वैलिडिटी है, पूरा फायदा उठा सकते हो। लेट मी चेक इफ दिस इज डबल वैलिडिटी और नॉट, डबल वैलिडिटी पे है या नहीं अभी। ओके, ऑब्वियसली आप भी जाके चेक कर सकते हो वेबसाइट पे कि डबल वैलिडिटी अभी एप्लीकेबल है या नहीं, बट एटलीस्ट 6 मंथ्स का तो वैलिडिटी है। एंड जो है डबल वैलिडिटी के बारे में आई एम नॉट दैट श्योर, जस्ट लेट मी चेक। नहीं, फिलहाल तो 6 महीने का ही वैलिडिटी चल रहा है, कोई डबल वैलिडिटी यहाँ पे नहीं है फिलहाल, जो है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ही वैलिडिटी चल रहा है, 6 मंथ्स का वैलिडिटी है यहाँ पे। क्लियर, 6 मंथ्स का वैलिडिटी है। ओके, तो आप लोग जो है चाहो तो ये कोर्स जो है ले सकते हो, ठीक है, आइदर सिंगल बैच और आइदर द होल महापैक। ओके, नेक्स्ट, हनी मधु, मैं समझा नहीं व्हाट यू वांट टू से एग्जैक्टली, मुझे समझ में नहीं आया। ओके, लेट मी सी व्हाट द टाइम। ओके, सो हम लोग सेशन बहुत जल्दी एंड करेंगे। व्हिच एग्जाम्स एवरी ग्रेजुएट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर शुड गिव, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड इन व्हिच कोर्स आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अमंग एफसीआई एफ और नाबार्ड। अमिता मैरी तिर्की जो भी नाम है आपका, ओके, सो लिसन, इफ यू आर अ बीएससी एग्रीकल्चर देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग द कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर सिलेबस स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट सेमेस्टर टू लास्ट सेमेस्टर एक्सेप्ट सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट छोड़ के जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ IBPS AFO। ओके, इसके अलावा जेनेटिक्स, इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स आ जाता है, इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स, इंट्रोडक्टरी एंटोमोलॉजी, ओके, और हाँ इंट्रोडक्टरी एंड पैथोलॉजी, इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट भी आप पढ़ोगे तब भी चलेगा। ओके, लेकिन बाकी सब जो है पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चालू कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पे कोई जॉब नोटिफिकेशन आता है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे किया जाए, कोई बैच लाया जाए, कोई पेड बैच लाया जाए, कोई यूट्यूब पे फ्री सेशंस लाए जाए। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए अड्डा 247 के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारे साइड से कुछ आपके लिए नया आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, टाइम यहाँ पे समाप्त हो गया है। ओके, टाइम की बाउंड्री है यहाँ पे, जो कि बहुत ही दिक्कत है यूट्यूब में। ओके, सो चलिए मिलते हैं यहाँ पे मंडे को, वापस 3 बजे मिलेंगे। वी विल टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल यहाँ पे रह गया था, हम उसके बारे में बात करेंगे मंडे को 3 बजे। और 7:30 को कोई और नया टॉपिक लेके मैं आऊंगा यहाँ पे, फिर से आप लोगों के साथ जुड़ जाऊंगा एग्रीकल्चर डिस्कस करने के लिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ।